हेलो दोस्तों, ये वाला जो है एक मल्टीमीटर है डिजिटल, ठीक है। तो ये मैं ख़रीदा है मार्केट से, 280 रुपया लिया है, ठीक है। तो इसको बॉक्स को ओपन करके देखेगा इसमें क्या क्या दिया है। तो ये वाला इसके साथ एक बुक दिया है, ठीक है। अरे टेस्ट करने के लिए एक प्रॉग दिया है, ऐसा साइड में कर देगा ये वाला बॉक्स को। अरे ये वाला जो येलो कलर का है, ये वाला इसका कवर है, ठीक है। और इसमें पीछे के साइड में एक स्टैंड जैसा दिया है, ऐसे करके रखने के लिए, ठीक है। इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी अलग से खरीदना पड़ेगा, और इधर पे बैटरी लगेगा, ठीक है। ये वाला जो है बैटरी कनेक्ट करने के लिए है, ये दो पॉइंट में। बैटरी जो है 9 वोल्ट का बैटरी अलग से खरीदा है, मीटर के साथ नहीं था, ठीक है। दोस्तों ऐसे देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला बैटरी का छोटा जो वाला पॉइंट है, इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा करके बढ़िया से कनेक्ट करने पड़ेगा। देख सकते हो, ऐसा करके कनेक्ट करने पड़ेगा। एक बार कंटिन्यूटी में रख के चेक कर लेगा, जैसे इसे काम कर रहा है कि नहीं। ये जो ब्लैक वाला जो है प्रॉक को कॉमन में रखने पड़ेगा, ये वाला COM कॉमन में रखने पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है हमेशा कॉमन में ही रहेगा। और ये जो रेड वाला प्रॉक है, ये वाला वोल्टेज रेजिस्टर में रखने पड़ेगा, वोल्टेज और रेजिस्टर में। देख सकते हो मीटर सही पूरा काम कर रहा है। और ये वाला जो वोल्टेज का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में जैक को लगाने के बाद कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस वोल्टेज, एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए ये वाला पॉइंट में रखने पड़ेगा। और मिली एम्पियर और कैपेसिटर चेक करने के लिए ये वाला पॉइंट में रखने वाले पड़ेगा। रेड प्रो ये वाला रेड वाला जैक को इसमें लगाने पड़ेगा, कैपेसिटर और मिली एम्पियर चेक करने के लिए। डीसी एम्पियर और एसी एम्पियर को चेक करने के लिए ये वाला पॉइंट में रखने पड़ेगा इस वाला जैक को। पहले कंटिन्यूटी, ज़्यादातर कंटिन्यूटी यूज़ होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में रख के ये वाला जो है डायोड मोड भी बोलता है, कंटिन्यूटी मोड भी बोलता है, ठीक है। ऐसे बीप साउंड आएगा, और ये वाला जो रेड एलईडी है, ये वाला ऑन होगा। ये वाला जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये वाला भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड में ये वाला जो डायोड है, डायोड को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करके चेक करने पड़ेगा। ऐसे घुमा के भी चेक कर सकोगे। ऐसा करके अगर कोई रीडिंग आएगा तो ये वाला डायोड खराब होगा, ठीक है। और ये ऐसा चेक करने से अगर डायरेक्ट बीप, ये जो रीडिंग है, रीडिंग नहीं आके अगर पूरा बीप साउंड आएगा तो शॉर्ट होगा डायोड। कुछ कोनो एलईडी को चेक कर सकते हो, एलईडी लाइट।
3 वोल्ट का जो एलईडी लाइट है ये वाला भी चेक हो जाएगा, माइनस ये वाला जो ब्लैक जो वायर है ये वाला माइनस का है, ये वाला रेड का जो वायर है ये वाला प्लस का है, ऐसा करके पकड़ने से एलईडी ऑन हो जाएगा तो सही है। ठीक है, कंटिन्यूटी में ही ज़्यादा काम होता है। और ऐसा पीसीबी बोर्ड में अगर ट्रैक को अगर चेक करना होगा, ये जो ट्रैक कभी 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 क्या होता है, ट्रैक ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी चेक कर सकते हो ऐसा करके। ठीक है, ये वाला जो ट्रैक है इसको भी चेक कर सकते हो ऐसा करके। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए तो 200 ओम का रेजिस्टेंस इसमें चेक कर सकते हो, उससे ज़्यादा 2K, 20K, 200K, ठीक है, 2 मेगा ओम से लेकर 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये वाला रेजिस्टेंस चेक करने के लिए 2K में रखा है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको चेक करके देखेगा, ऐसा करके चेक करने पड़ता है, ऐसा करके चेक करने पड़ेगा। देखो कोनो रीडिंग नहीं आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा लेगा, 20K में रखेगा, उसके बाद चेक करेगा, देखो 2.5K का दिखा रहा है। ठीक है, कुछ रीडिंग ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है 2.2K का रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, कुछ रीडिंग कम ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसा करके रेजिस्टेंस चेक करने पड़ेगा। HEV ये वाला जो पॉइंट है HFE का है, HFE का जो चेक करने का है तो इस ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए दिया है, ये वाला पॉइंट में चेक होगा। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर चेक कर, और PNP जो ट्रांजिस्टर होता है ये वाला पॉइंट में चेक होगा। ठीक है, ये वाला जो है DC वोल्ट चेक करने के लिए है, 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हो DC वोल्ट। ठीक है, तो ज़्यादातर ये वाला जो 2 वोल्ट में ये वाला जो बैटरी होता है 1.5 वोल्ट का घोड़ी का बैटरी है, ये वाला बैटरी को चेक कर सकते हो 2 वोल्ट में, 1.3 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो जो 3.7 वोल्ट का लिथियम जो बैटरी है ये वाला चेक कर सकते हो, ये वाला माइनस प्लस का पॉइंट है, ये वाला माइनस का रीडिंग देखो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है 20 में रखने पड़ेगा, क्योंकि 3.7 वोल्ट का बैटरी है ये वाला, और ये जो पॉइंट है 2 वोल्ट का है, तो इसको बढ़ा के 20 वोल्ट में रखने पड़ेगा, तब जाके चेक होगा। देख सकते हो 3.7 वोल्ट है अभी तक। ठीक है, उसके बाद 200 वोल्ट भी, 200 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हो ये वाला रीडिंग में। AC वोल्ट चेक करने के लिए 200 मिली वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक चेक कर सकते हो AC वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो घर का जो लाइन है AC लाइन, ये 220 वोल्ट में चेक होता है, तो ये जो मीटर है 750 वोल्ट में रखेगा। ठीक है, 750 वोल्ट में रख दिया है, कितना वोल्टेज आ रहा है देखेगा, स्विच को ऑन कर दिया है। ठीक है, देखो दोस्तों 220 वोल्ट आ रहा है घर का लाइन में। ठीक है, ऐसा करके चेक कर सकते हो। उसके बाद है एम्पियर, ये जो पॉइंट है ये AC एम्पियर चेक करने के लिए 20 मिली एम्पियर से लेके 200
20 एम्पियर तक चेक कर सकते हो। दोस्तों ये वाला जो जैक है ये एम्पियर में रखने पड़ेगा ऐसा करके, और मिली एम्पियर चेक करने पड़ेगा तो इसमें रखने पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मिली एम्पियर, तो एम्पियर चेक करने के लिए इसमें रखने पड़ेगा, ठीक है। रख के उसके बाद एम्पियर चेक करने पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं एम्पियर चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ। और ये वाला है एसी एम्पियर चेक करने के लिए, ये वाला जो पॉइंट है डीसी एम्पियर चेक करने के लिए, डीसी एम्पियर में भी सेम दिया है 20 मिली एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक डीसी एम्पियर चेक कर सकते हो। ये वाला पॉइंट में एसी एम्पियर भी चेक हो जाएगा, डीसी एम्पियर भी ये वाला पॉइंट में चेक हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर चेक करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है इसमें चेक होगा, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये वाला जो पॉइंट है इसमें चेक होगा, ठीक है। इसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी मोड ये वाला पॉइंट में चेक होगा, और मिली एम्पियर और कैपेसिटर चेक करने के लिए ये वाला पॉइंट में, और एम्पियर चेक करने के लिए ये वाला पॉइंट में चेक होगा, ठीक है। और ये वाला कॉमन रहेगा। तो कैपेसिटर में अभी चेक करके दिखा रहा हूँ, अभी कैपेसिटर में चेक करके दिखा रहा हूँ कैसे चेक करेगा। ये वाला जो कैपेसिटर है 100 वोल्ट 100 यूएफ का कैपेसिटर है, ठीक है। तो 100 यूएफ का कैपेसिटर है, तो मैं 200 में रखेगा, 20 नैनोफैराड से लेके 200 यूएफ का चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है 100 यूएफ का कैपेसिटर है, तो इसको चेक करने के लिए 200 यूएफ में रखेगा पहले, ठीक है। तो उसके बाद ही चेक होगा, अगर कम में रख देगा 2 यूएफ में रखेगा तो चेक नहीं होगा। पहले मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, नहीं कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अभी 200 यूएफ में रखेगा, 95 यूएफ दिखा रहा है, मतलब सही है, कुछ रीडिंग ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। अब देख सकते हो ये वाला जो एक कैपेसिटर है, ये वाला 450 वोल्ट का है, 4.7 यूएफ का है, ये वाला भी चेक हो जाएगा, देख सकते हो 5.1 यूएफ दिखा रहा है, मतलब सही है, 4.7 से ज़्यादा ही दिखा रहा है, कुछ रीडिंग कम ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों ऐसा करके आप लोग ये मीटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको ऑफ करने होगा तो ऐसे करके ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ करने में अगर भूल कर अगर ऑन करके छोड़ देंगे तो ये वाला जो मीटर है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटो पावर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।